हेलो जी, करें स्टार्ट करें। यस सर। सर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसके एग्जाम में आते हैं? देखो, क्या आता है और क्या नहीं आता, अगर वो हमें पता होता ना, पूरे इंडिया में लोग सजदा कर रहे होते इस मार्ग के बाहर आके कि सर आप ही महान है। है ना, पॉसिबिलिटी है कि उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है सन्नी, ठीक है। मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन केवल एक इन सेपरेट एक ऐसा चैप्टर भी नहीं है कि उसी से ही क्वेश्चन आए। ऐसा भी होता है कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में भी आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और मतलब जैसे नॉर्मल जो हमने स्कूल लेवल पे पढ़ा, वहाँ शायद आप लोगों को जरूरत ना पड़ा हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं उसकी प्रोबेबिलिटी की जहाँ पर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगता है। प्लस बेसिक रीजनिंग में भी जब अरेंजमेंट की बात आती है ना, अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन बनाने की, वहाँ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगता है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक सिंगल ऐसा चैप्टर नहीं है कि आपको प्रॉपर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही क्वेश्चन आए, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत है, बहुत सारी जगह पे इसका यूज़ होता है। ठीक है, जहाँ भी अरेंजमेंट की बात होता है, कितने पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, है ना, कितने ऐसे क्वेश्चन देखते हैं ना बहुत सारे एग्जाम्स में कि अगर आपके पास 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, आप कितने 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं उससे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना रीजनिंग में, आपके पास ABCDE करके मतलब कुछ लेटर्स ऑफ वो हैं, अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, उसमें से आप कितने 3 लेटर वर्ड्स बना सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे थे क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं, मतलब मैंने 10th तक। कोई बात नहीं, मैं एप्लीकेशन पार्ट बता रहा हूँ बस आपको ना। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, मतलब ये रीजनिंग का पार्ट होता है जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 5 में से आप लोग जो है 3 लेटर वर्ड कितने बना सकते हो, आपके पास 10 डिजिट है, 10 में से आप 5 लेटर वर्ड्स कितने बना सकते हो। तो उस तरह के क्वेश्चन ना पार्ट ऑफ रीजनिंग है, बट कहीं ना कहीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने पीएनसी में ऐसे भी क्वेश्चंस देखे हैं कि 10 पीपल आर प्रेजेंट इन अ मीटिंग एंड द टीचर सेज टू एग्जैक्टली, जैसे ऐसा भी होता है आपके पास मतलब 10 बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं, और उनके लिए ना आपको ना एक 6 पर्सन की एक मीटिंग वो बनानी है, एक टीम बनानी है, मतलब एक मीटिंग के लिए उसमें 3 गर्ल्स होना चाहिए, 3 बॉयज होना चाहिए। अब यहाँ आपको कॉम्बिनेशन बनाने की बात बोलेगा, आप कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि आपके पास 10 बॉयज और 7 गर्ल्स में से 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स का सेट बन जाए। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा बस। ठीक है, तो आगे सब लोग आगे करें स्टार्ट। हाँ, ऑलमोस्ट ऑल आर देयर। ठीक है, तो जैसे होता क्या है ना, जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बोलूं, शायद आपको, एक हमारे पास ना लॉक होता है जो नंबर से चलता है, नंबर लॉक बोलते हैं ना, जैसे आपके सूटकेस बैग वगैरह में होता है जब आप ट्रैवलिंग करते हैं। ठीक है, और कई बार आप लोग बाइक वगैरह में हेलमेट टक करने के लिए वो नंबर लॉक यूज़ करते हैं ना हम लोग, तो उसका क्या होता है, एक पासवर्ड होता है। आप लोग उसको चाबी से नहीं चलाते हो, आप उसको पासवर्ड से चलाते हो कि आपने वो कोड डाला और वो आपका लॉक खुल गया। तो हुआ क्या ना, ऐसे ही ना आप कभी, जैसे आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आप ना नंबर लॉक का पासवर्ड भूल गए, तो पासवर्ड तो भूल गए, अब पता चला कि अब क्या किया जाए। तो आपको थोड़ा आइडिया आया, यार पासवर्ड तो मुझे याद नहीं है लेकिन 3 डिजिट नंबर है, जैसे 2, 3 और 5, मतलब ऐसे ही करके कुछ है कि जो डिजिट यूज़ होते थे वो 2, 3 और 5 ही यूज़ हो रहे थे। अब आप क्या करोगे उस लॉक को खोलने के लिए, आप 2, 3 और 5 के जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बन सकते हैं वो बना लोगे। आप बोलोगे कि यार या तो 2, 3, 5 होगा या फिर 2, 5, 3 हो सकता है, वैसे ही या तो 3, 2, 5 होगा या फिर आपका 3, 5, 2 होगा। तो ऐसे ही आप जो ना n नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लेते हो, और ऐसे ही n नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने से आपका कहीं ना कहीं जाके वो लॉक पक्का खुल जाएगा। अगर आपके पास 3 डिजिट 2, 3 और 5 था और 2, 3 और 5 के जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो सारे आपने बनाए, और वो सारे अरेंजमेंट बनाने के बाद आपका कोई ना कोई पक्का सेट बैठ के आपका लॉक खुल जाएगा अगर ये 3 डिजिट है तो, अगर आपने सारे अरेंजमेंट फिक्स कर दिए। अब ये तो 3 डिजिट वाले नंबर की बात थी, अब पता लग रहा है कि आपका लॉक ही जो है ना 9 डिजिट नंबर है या 6 डिजिट नंबर है, आपका जो लॉक है वो 6 डिजिट्स वाला है।
तो आपको अगर बोला जाए यार ये 6 डिजिट था, इस तरह से 2, 3, 5, 7, 9, 2 अलग डिजिट रखते हैं, 6 रख लेते हैं, मतलब ये सारे डिजिट थे उसमें, और इन सारे डिजिट्स के ना आप अरेंजमेंट बना के देख लो, किसी ना किसी से लॉक खुल जाएगा। और यही अगर पासवर्ड आपका और बड़ा हो जाए तो प्रॉब्लम क्या है ना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। अब प्रॉब्लम जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है ना, तो उस तरह की कॉम्प्लेक्स होने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास कंसेप्ट आया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो दो वर्ड हैं, इन दो वर्ड का सिर्फ डेफिनेशन समझना। जैसे कि मैं हर एक अपनी अपने जितनी भी मेरी क्लासेस होती हैं, हर क्लास में मैं सबसे पहले बात करता हूँ डेफिनेशन पे, ठीक है। तो एक वर्ड है परम्यूटेशन, परम्यूटेशन, एक है आपका कॉम्बिनेशन। किसी को पता है क्या डिफरेंस होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में? एनी वन ऑफ यू, जैसे टेंथ में आप लोग बता रहे हो पढ़ा है, किसी ने 11, 12 में भी शायद पढ़ा होगा, अगर किसी को भी आइडिया है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का किसी का भी डेफिनेशन पता हो। बताओ, परम्यूटेशन का बिल्कुल ऑर्डर का फर्क होता है। एग्जैक्टली, किसने बोला ऑर्डर का फर्क होता है? निरंजना। एग्जैक्टली, परम्यूटेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर। यहां पर क्या होता है ना, यहां पर ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है, यहां पर आप ऑर्डर के हिसाब से लगाओगे। जैसे आपको तीन वर्ड दे दिए जाए, मतलब सीएटी कैट, तो एसीटी एक्ट भी बन सकता है। ये ऑर्डर, ऑर्डर की बात की जा रही है। तो क्या है कि परम्यूटेशन में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को क्या करना है, अरेंजमेंट्स बनाने हैं। और ऐसा नहीं है कि आप लोग जब जिस तरह के क्वेश्चन आप कंपटीशन एग्जाम्स में फेस करने वाले हैं, वहां पर आपको अरेंजमेंट्स बनाने के लिए बोलेगा, आपको बस बताना होता है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने फाइंड करना है। और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में जो मेजर डिफरेंस होता है ना, वो ऑर्डर का होता है। यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है कॉम्बिनेशन के केस में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई एग्जांपल अगर आप किसी के पास है तो निरंजना तुम बताओ कोई एग्जांपल, एनी एग्जांपल। जैसे मैंने ये पासवर्ड का ही ले रहे थे, हाँ पासवर्ड का ले रहे थे, एक पर्टिकुलर ऑर्डर है उसका, तभी वो जैसे तभी आपका लॉक खुलेगा या कुछ खुलेगा। एग्जैक्टली, जैसे 2, 3, 5 था, तो आपने इसको बोला इस 2 के साथ 3 और 5 आया, तो 2 के साथ 5 और 3 भी तो आ सकता है। उसके बाद आपने बोला चलो 2 के कॉम्बिनेशन तो खत्म हो गए, अब 3 वो अरेंजमेंट खत्म हो गया, 3 का देखते हैं, 3 के साथ 5 और 2 आ सकता है, 3 के साथ 2 और 5 भी आ सकता है। और अब क्या बचा, अब 5 वाला बचा, अब 5 वाले को आप उठा लो, 5 के साथ 3 2 भी हो सकता है और 5 के साथ 2 3 भी हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपके बने 6, यहाँ ऑर्डर मैटर कर रहा है। लेकिन अगर यही चीज आप जाके जब कॉम्बिनेशन में जाके बनाते हो, तो कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ऑर्डर मैटर नहीं करने का मतलब ये है कि अगर आप बात करोगे परम्यूटेशन की कि उस पासवर्ड के लिए कितने अरेंजमेंट बनेंगे, तो आप क्या बोलोगे, अरेंजमेंट बनेंगे 6। लेकिन जब उसी पासवर्ड की बात जब आप कॉम्बिनेशन में जाके बोलोगे ना, तो कॉम्बिनेशन बनता है सिर्फ 1, क्योंकि हर केस में वहाँ पर सेम डिजिट यूज हो रहा है। और यहाँ पर ऑर्डर का कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो डिजिट आगे पीछे कहीं भी यूज हो रहा है लेकिन सेम यूज हो रहा है। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होगा ना, वो 1 ही बनेगा, जबकि आपके परम्यूटेशन कितने बन रहे थे, 6। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे आप क्लास में ना, हाँ बताओ। कॉम्बिनेशन मतलब बेसिकली उन तीन लेटर का कॉम्बिनेशन, उन तीन डिजिट का कॉम्बिनेशन, बस वो आगे पीछे कहीं भी है उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो कॉम्बिनेशन इस परम्यूटेशन से ही तो बनेगा ना, इनमें से एक जो होगा। हाँ, इनमें से कोई भी एक, वो कहीं भी कैसे भी हो सकता है, डिजिट तो सब में सेम यूज हो रहा है ना, वो आगे है पीछे है कहाँ है बीच में है उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 5 यहाँ लास्ट में है या बीच में है, या बीच में या लास्ट में, या फर्स्ट पे या फर्स्ट पे, तो यहाँ ऑर्डर का फर्क मतलब यहाँ पर ऑर्डर चलता है, वहाँ ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता कॉम्बिनेशन में, कहीं भी है लेकिन है सेम। एग्जांपल होता है जिसमें एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन, मतलब जैसे अगर हम
अगर ऐसे चल रहा है अरेंजमेंट वाला तो वो तो हर चीज का फिर एक ही नहीं होगा कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए। अरे तुम देखो जैसे एबीसी की बात करूँ, अगर मैं लेटर एबीसी की मतलब इनकी बात करूँ अल्फाबेट एबीसी की, अब अल्फाबेट एबीसी की अगर आप बात करते हो तो यहाँ तुम्हें अच्छे से समझ आएगा, तो अगर तुम इनके पर वो बनाओगे ना अरेंजमेंट्स तो छः बन जाएंगे पूरे, क्योंकि ए के साथ बी सी है तो ए के साथ सी बी भी हो जाएगा। लेकिन जब यही बात कॉम्बिनेशन में आएगी, चाहे आप ए बी सी ले लो चाहे आप ए सी बी ले लो, अल्टीमेटली डिजिट तो तीनों यूज हो जा रहे हैं ना एक ही उसमें, ठीक है। तो वहां पर ऑर्डर का इम्पोर्टेंस नहीं होता है कॉम्बिनेशन में, जबकि परम्यूटेशन में ऑर्डर का इम्पोर्टेंस होता है। यस सर, तो फिर तो मतलब जैसे कॉम्बिनेशन में भी छह ही पॉसिबिलिटीज होंगे और कॉम्बिनेशन में भी छह पॉसिबिलिटीज ही होंगी, कॉम्बिनेशन एक ही होगा, सेम ही होंगी। और चलो तुम लोग अभी तक कंफ्यूज मत हो, अभी तुम लोग चलो अभी इतना ध्यान रखो कि अरेंजमेंट की जब बात आती है परम्यूटेशन की तो आपका ऑर्डर का रोल होता है, कॉम्बिनेशन की बात आती है तो नो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर, ठीक है। अभी हमने जस्ट चैप्टर स्टार्ट किया तो शायद आप लोगों को इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है, अभी जैसे इसको पढ़ते जाएंगे ना तब आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, ठीक है, क्वेश्चन के साथ वो भी। यस तो जैसे अब हाँ जैसे मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था ना, देखो कॉम्बिनेशन के एग्जांपल में देता हूँ आपको, कॉम्बिनेशन सिर्फ ये एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके आगे फिर हम आप लोग धीरे धीरे समझोगे इस चीज को ना। हाँ बताओ। मैं बोल रही थी हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, मतलब इन दोनों में डिफरेंस की अगर एक मतलब सर्कुलर टेबल पे हमें लोग बिठाने हैं तो अगर एक्स नंबर ऑफ लोग हैं तो वो एक वे में बैठेंगे तो वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, पर अगर हम पूछे कितने अलग अलग वे में बैठ सकते हैं कि मतलब किसकी साइड पे कौन है, कॉम्बिनेशन क्या है, उन सब लोगों का कॉम्बिनेशन, मतलब लोग तो वही है, एक वो किस ऑर्डर में बैठ रहे हैं, पहली सीट पे कि लास्ट पे बीच में आगे पीछे, कॉम्बिनेशन में मैटर नहीं करता है। लेकिन जब परम्यूटेशन बोलेंगे, हाँ परम्यूटेशन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे ये वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है ये फाइव है ये सिक्स है और ये सेवन है, किस पे कौन बैठेगा वो परम्यूटेशन हो जाएगा। हाँ वो अरेंजमेंट्स होंगे। हाँ और कॉम्बिनेशन के केस में क्या है कि सब लोगों का एक टीम बन रहा है, वो कहाँ बैठे हैं किस तरह से बैठे हैं वो मैटर नहीं करता है। सर तो फिर ऐसे बोल सकते हैं जैसे परम्यूटेशन में 235 एबीसी का अगर एग्जांपल ले ले तो छह पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, लेकिन कॉम्बिनेशन में हमें फिर ऐसे लेके चलना पड़ेगा ना, प्रोवाइडेड ए इज ऑन द फर्स्ट प्लेस फिर बी और सी और फिर ए सी बी, ऐसे दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, वो तो फिर अरेंजमेंट होगा ना वो वापस से, तो कंफ्यूजन हो रहा है, क्वेश्चन कर लेते हैं समझ आ जाएगा। वही मैं कह रहा हूं तुम लोग आगे तो सुनो, कम से कम तुम डेफिनेशन में अटक गए, तुम लोग आगे करना शुरू करते हैं तुमको समझ आने लग गया धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ ना, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग अपने एग्जांपल छोड़ो, तुम दुखी हो जाते हो अपने एग्जांपलों से। जैसे मैं बोला क्लास में ना 20 स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैंने बोला इन 20 स्टूडेंट में से ना आप लोगों को दो स्टूडेंट का सिलेक्ट करना है, सी आर बनाना है दो स्टूडेंट को। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर इन दो स्टूडेंट का ये फर्क पड़ता है कि मैं आर्यन को उठा रहा हूँ या मैं त्रिशा को उठा रहा हूँ, या पहले किसको उठा रहा हूँ बाद में किसको उठा रहा हूँ, ये फर्क पड़ता है? नहीं सर, बोला है बस दो लोग उठाने, किसी को भी उठाना, रैंडम उठाना है, दिस इज द केस ऑफ ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो किसका केस हो गया? कॉम्बिनेशन। एक और एग्जाम्पल जैसे अब आपके पास ना सपोज करो 52 कार्ड्स हैं, खेले है ना कार्ड्स वगैरह, किसी ने कभी तो मतलब देखे तो होंगे एटलीस्ट सबने, तो yes, आप बोलो 52 कार्ड्स है और मैं बोलो आपको इसमें से 52 में से पांच कार्ड निकालना है, तो अब वो पांच कार्ड कौन से होंगे? आप कहीं से भी निकाल सकते हो, कोई भी पांच कार्ड निकाल सकते हो, किसी भी कलर के निकाल सकते हो, कोई भी ऑर्डर हो सकता है ना, यहाँ पर ऑर्डर का इम्पोर्टेंस है ही नहीं, और ऑर्डर का इम्पोर्टेंस नहीं है तो केस कौन सा हो गया? कॉम्बिनेशन, ठीक है। अभी आप धीरे धीरे समझोगे आगे, चलो अभी मैं बता देता हूँ कि परम्यूटेशन अगर इन इस चैप्टर की बात की जाए तो ये जो पूरा चैप्टर है ना ये चलता है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जैसे अगर आप लोगों को काउंटिंग अच्छे से आता है, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू 100 बचपन में याद करते थे ना, 100 के बाद फिर वो
इन्फिनिटी तक चला जाता है, 100 के बाद जनरली कोई याद करवाता नहीं है। तो यहाँ भी जो है ना वो होता क्या है ना कि यहाँ ना प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही चलता है सारा, बस क्या है कि उसका उसको प्रॉब्लम के साथ रिलेट कर दिया, तो वहाँ वो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। लेकिन अल्टीमेटली इस चैप्टर में आप लोग एट लास्ट यू विल रियलाइज कि आपको ना काउंटिंग ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे वहाँ पर हम अरेंजमेंट्स की बात क्या कर रहे थे, काउंटिंग कर रहे थे, है ना। तो चलो खैर, अब इसमें ना जब काउंटिंग प्रिंसिपल की बात आई ना, इसमें ना मेजर ना दो प्रिंसिपल होते हैं। तो अब इस दो प्रिंसिपल की अगर बात करें, एक प्रिंसिपल होता है आपका मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, इसको जरूर लिख लेना। ये दो प्रिंसिपल बार बार आपके हर एक क्वेश्चन और हर एक प्रॉब्लम में सामने आएंगे, तो इनको जरूर लिखना, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, एक मिनट, एक हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, दूसरा होता है आपका एडिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब आप जो है ना इनकी ये लो होता है, अब इनकी ना दोनों की डेफिनेशन आप लिख लो एक बार। मल्टीप्लीकेशन जो फर्स्ट वाला प्रिंसिपल है, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, तो ये जो मतलब प्रिंसिपल है ये बोलता है इफ देयर आर एक्स वेज टू डू वन थिंग, इफ देयर आर एक्स वेज टू डू वन थिंग एंड वाई वेज to do another thing, then there are x into y ways to do both things। मतलब मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल बोलता है अगर किसी एक काम को करने के एक्स रास्ते हैं अगर, और दूसरे काम को करने के वाई अगर हैं, तो दोनों काम को करने के लिए अगर आपको बोला जाए तो वो क्या होता है, एक्स इंटू वाई वेज आपके पास होते हैं। और इसका एक एग्जांपल, जैसे मैंने ना आप लोगों के लिए सपोज करो हमने पिज्ज़ा ऑर्डर किया आप लोगों के लिए, और तीन डिफरेंट टाइप ऑफ पिज्ज़ा ऑर्डर किया, ये वाला T1, Type 2 या P1 लिखते हैं, पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा 2 और पिज्ज़ा 3, ठीक है। और चार टाइप के आपके लिए ड्रिंक ऑर्डर की, ड्रिंक 1, ड्रिंक 2, ड्रिंक 3, ड्रिंक 4, ठीक है। आप लोगों में जैसे मैंने किसी भी एक को रैंडमली उठाया और बोला कि दोनों में से ना एक एक चीज़ उठा लो, एक एक पिज्ज़ा उठा लो और एक कोई भी एक ड्रिंक उठा लो, तो अगर पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं जिससे आप इस काम को कर सकते हो, है ना, यू हैव टू सेलेक्ट वन आउट ऑफ ईच। अब इसको सेलेक्ट करने का क्या तरीका होगा, जैसे अगर आपको पिज्जा सेलेक्ट करना है, जैसे अगर कोई भी एक पर्सन को अगर तीन पिज्जा में से एक सेलेक्ट करना है, तो कितने वे हो सकते हैं इसको सेलेक्ट करने के, बोलो, तीन में से कोई भी एक उठा लोगे। और इनको अगर सेलेक्ट करना है, ड्रिंक अगर कोई उठाना है, तो कौन सा उठाओगे, कोई भी उठाओगे अगर, तो चार वेज हो सकते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इन टोटल आपके पास 12 वेज होते हैं टू पिक वन आइटम आउट ऑफ ईच। अब आपको लग रहा है ऐसा 12 कैसे बनेंगे, ये दिख नहीं रहा होगा अभी, है ना, अभी हमें जस्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पता चला इसके 3 वेज है, उसके 4 वेज है, और इसको हमने क्या किया 3 × 4 करके बोल दिया कि टोटल वेज कितने होंगे, 12 वेज। ऐसा वो दिख भी रहा है P1 के साथ, P1 के साथ ये सारे उठा सकते हो, कोई भी चारों, आप P2 के साथ चारों उठा सकते हो, आप P3 के साथ चारों उठा सकते हो, तो चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन P1 के साथ बने, 4 इसके साथ और 4 इसके साथ, ठीक है। नंबर ऑफ की अगर बात कर रहे हैं, तो आप 4 4 4 करके टोटल वेज आपके पास कितने हो गए, 12।
तो ये मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल बोलता है कि आपको अगर एक्स वेज ऑफ डूइंग वन थिंग है और वाई वेज ऑफ डूइंग वन थिंग, तो उन दोनों को अगर करना है आपको, तो आप क्या करते हो, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो। यहाँ क्या करना था, आपको दोनों चीज लेना था, आपको पिज्जा भी लेना था, आपको ड्रिंक भी लेना था। आपने क्या किया, एक्स इंटू वाई कर दिया, 4 × 3 टोटल नंबर ऑफ वेज 12। दूसरा प्रिंसिपल, एडिशन प्रिंसिपल। अब एडिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, बाकी पूरा डेफिनेशन सेम है। इफ एक्स वेज ऑफ डूइंग वन थिंग एंड वाई वेज ऑफ डूइंग अनदर थिंग, और दोनों को आप एक साथ नहीं कर सकते, जब एक्स वेज of doing one thing doing another thing, both cannot be done at the same time, तो उस केस में आपका एडिशन प्रिंसिपल लगता है। और उस केस में आपका एडिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, आप x प्लस वाई कर देते हो। अगर नंबर ऑफ टोटल वेज आपको जानने हैं तो वहाँ पर आप क्या करोगे, x प्लस वाई कर दोगे। जैसे आपका पिछले ही एग्जाम्पल वाला अगर लेते हैं, पिछला ही केस वाला एग्जाम्पल, मैंने बोला था पिज्ज़ा 1, पिज्ज़ा 2, पिज्ज़ा 3 और ड्रिंक 1, ड्रिंक 2, ड्रिंक 3 और ड्रिंक 4। अब देखो यहाँ क्या बोला, एन वेज ऑफ डूइंग वन थिंग एंड एक्स है सॉरी एक्स वेज ऑफ डूइंग वन थिंग एंड वाई वेज ऑफ डूइंग अनदर थिंग, बोथ कैन नॉट बी डन एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, या तो आपको पिज्जा लेना या फिर आपको ड्रिंक लेना, कोई एक चीज ले सकते हो आप। आप जो भी प्रेफर करना चाहते हैं, कोई भी एक चीज उठा लो, वो आपके ऊपर है, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक। तो अब उसमें क्या है, आपके पास पिज्जा उठाने के कितने वेज हैं, 3, ड्रिंक उठाने के कितने, 4। टोटल इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, आपके पास टोटल कितने वेज होते हैं, 7, बिकॉज आइदर यू हैव टू पिक पिज्जा और यू हैव टू पिक ड्रिंक। अगर आप दोनों को साथ में नहीं कर सकते हो, किसी एक को ही साथ, मतलब एक ही चीज को एक बार में ले सकते हो, तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ वेज की अगर बात की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स प्लस वाई कर देते हैं वहां पर। कि अगर पिज्जा उठाने के वेज अगर आपके पास 3 हैं, ड्रिंक्स उठाने के वेज अगर आपके पास 4 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 4 + 3 = 7। yes. चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो तुमको पता चलेगा, प्रिंसिपल का भी पता चलेगा कौन सा कहाँ प्रिंसिपल चल रहा है। तो जैसे अगर आपको बोला जाए, हाउ मैनी 3-digit नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4 and 5 ये हमारे पास डिजिट्स हैं, तो आपको बताने हाउ मैनी 3-digit नंबर बन सकते हैं इससे। अब इसमें ना केसेस होते हैं। देखो पहला केस बनता है इसमें, जब आपको रिपीटेशन अलाउड होती है डिजिट्स की, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, आपको रिपीटेशन अलाउड है पहले केस में। तो अब आप क्या करोगे, आपको 3-digit का नंबर बनाना है, टोटल डिजिट है आपके पास 5, तो आप क्या करो, ऐसे ना 3 box बना लो, क्योंकि आपको 3-digit का ही नंबर बनाना है। अब एक बात बताओ, अगर आपको रिपीटेशन अलाउड है, तो आप पहले वाले बॉक्स में कितने डिजिट रख सकते हो, आप 1 भी रख सकते हो, 2, 3, 4, 5 कोई भी रख सकते हो। yes. तो यहाँ पर 5 वेज हो सकते हैं यूनिट प्लेस के। अगर बात आती है 10th प्लेस वाले की, तो कितने वेज हो सकते हैं इसके, भाई रिपीटेशन अलाउड, आप इसमें भी 5 में से कोई भी रख सकते हो। आप 100 प्लेस पे भी 5 में से कोई भी रख सकते हो। अब बात आती है प्रिंसिपल की, सिंस यू हैव टू फिल ऑल द 3 boxes, मतलब आपको 3-digit नंबर बनाना है, तो तीनों बॉक्स मतलब भरने हैं, मतलब
तीनों एक्टिविटीज करनी है, और जब तीनों एक्टिविटीज साथ में करनी होती है तो कौन सा प्रिंसिपल लगता है? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू मेक थ्री डिजिट नंबर्स यूजिंग 1, 2, 3, 4 and 5 कितने होंगे? 125। ये तो हो गया जब आपको रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। दूसरा केस, जब आपको रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउ नहीं होता तब क्या करते हैं? तभी आप क्या करोगे, तीन बॉक्स बनाओगे ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर वाला सेम ही है, बस रिपीटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पर। अब आपने ऐसे है ना तीन बॉक्स बनाए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो पहले वाले बॉक्स में तो आप पांच डिजिट पूरे डाल सकते हो, कोई भी डाल सकते हो, एक एक काम करते जाएंगे। सेकंड वाले में आप सिर्फ 4 ही डाल सकते हो, थर्ड वाले में आप 3 ही डाल सकते हो, तीनों बॉक्स आपको फिल करने हैं, तो प्रिंसिपल कौन सा लगेगा? मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। तो 5 × 4 × 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास 60 नंबर बन जाएंगे, थ्री डिजिट नंबर। 63 डिजिट नंबर कैन बी पॉसिबल जब आपको रिपीटेशन ऑफ डिजिट जो है वो अलाउ नहीं हो गया। जब ऊपर अलाउ थी तब कितने बने थे? 125। ठीक है, तो अब इधर को आप लोगों ने बोला जब रिपीटेशन अलाउड नहीं थी तब आप लोगों को बोला गया कि जैसे आप लोगों को तीन 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 डिजिट का नंबर बनाना था, आपने यहाँ 5 डाला, यहाँ 4 डाला, यहाँ 3 डाला, तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि n का वैल्यू अगर यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो आपने क्या करा, यहाँ पर n डाला, यहाँ पर n माइनस 1 डाला, यहाँ पर n माइनस 2 डाला। और अगर आप ऐसे ही आगे चलते चले जाएंगे तो ऐसे ही कम करते चले जाएंगे इसको, है ना, जैसे n माइनस 1 n यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, ऐसे चलता जाएगा ना। और एट लास्ट में आप कौन सा डिजिट डालोगे, कितने डिजिट का नंबर बनाना, कितने डिजिट का नंबर होगा उसमें से माइनस 1 करोगे, है ना। तो जैसे अब इसमें पता है मैंने ये बात क्यों बताई आप लोगों को, सेकंड वाली चीज कि जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है हाउ मेनी आर डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम डिजिट्स 1, 2, 3, 4 अप टू n, क्वेश्चन है। जिसका भी ये ज्यादा वो कर रहा है ना वो म्यूट कर लो प्लीज। हाउ मेनी आर डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी की बात चल रहा है, आर, हाउ मेनी आर डिजिट्स फ्रॉम डिजिट्स 1, 2, 3, 4 and so on और अप टू n तक चले गए। और आप अज्यूम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अज्यूमिंग दैट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अब बात आई जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स यहाँ अलाउ नहीं है तो आप लोग कैसे करोगे? तो आप लोगों को जैसे मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया जहाँ पर रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं था, मैंने बोला कि आप ऐसे ही ना कुछ रैंडम बॉक्सेस बना लेते हो ऐसे करके, पता ही नहीं आपको n का वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर आप n रखोगे, यहाँ पर आप n माइनस 1 रखोगे, यहाँ पर आप n माइनस 2 रखोगे, और ऐसे करते करते आप लोग जो है एक लास्ट में जो आएगा उस बॉक्स में क्या रखोगे, n माइनस r माइनस 1। ऐसा क्यों हुआ बताओ? क्योंकि सर जितने डिजिट का नंबर, हाँ हाँ बोलो बोलो सर, जितने डिजिट का नंबर बनाना है, डिजिट नंबर आपको बनाना है आउट ऑफ n में से, उसमें से एक कम होता जा रहा है हर जगह ना, जैसे n इनटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 करके ऐसे बनता चला गया। तो अब हुआ क्या ना कि जब इस तरह की प्रॉब्लम हो गई ना, जब बहुत बड़े डिजिट आने लगे या बहुत ज़्यादा इस तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आने लगी, तब जाके एक वर्ड का इन्वेंशन हुआ जिस वर्ड को हमने बहुत शुरू में डिस्कस किया, उस वर्ड को क्या बोला गया,
परम्यूटेशन, बोला कि आप परम्यूटेशन वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया और फिर कंसेप्ट शुरू हुआ परम्यूटेशन के ऊपर। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन किए वो हम नॉर्मल काउंटिंग कर रहे थे, जस्ट वेज बता रहे थे, नंबर ऑफ वेज की बात कर रहे थे, हमने दो प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, मतलब आपका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, एडिशन प्रिंसिपल। लेकिन अब जो है ना, यहाँ से आपको एक्चुअल पता चलेगा कि परम्यूटेशन होता क्या है। तो जैसे परम्यूटेशन को बोला गया कि अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और हमें r एट ए टाइम यूज करना है, इफ वी हैव n डिफरेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग r एट ए टाइम, तो उसके लिए जो आपके जो वो बनता है ना, वो बनता है NPR। ये जो है आपका सुपरस्क्रिप्ट पे होता है, N जो होता है और R जो होता है आपका सबस्क्रिप्ट पे होता है। तो NPR का जो है ये जो है वो बनते हैं, मतलब जो अरेंजमेंट आपको बनाने होते हैं, जब इफ वी हैव N डिफरेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग R एट ए टाइम, तो अगर आपको उस केस में अगर अरेंजमेंट बनाने हैं तो आप NPR से बनाते हैं। और NPR में अरेंजमेंट बनाने के लिए एक फॉर्मूला है छोटा सा, वो आप लोग बस याद कर लेना, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है, हमने तो इंग्लिश में पढ़ा था, ये मैथ्स में कहाँ से आ गया? इस एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब क्या होता है, किसी को पता हो तो? तो ये वो होता है शायद कि अगर जैसे एक फैक्टोरियल हो गया तो उसको बोलते हैं फैक्टोरियल, 8 × 7 × 6 × 5 × 1 तक। हाँ ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल। जैसे आपका जो ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है? होल नंबर से n तक का जो प्रोडक्ट। होल नंबर से n तक नहीं बोलोगे आप, होल नंबर में 0 भी आता है। आप क्या बोलोगे, जैसे अगर मैं बोलोगे n फैक्टोरियल, आप बोलोगे n फैक्टोरियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी 5 फैक्टोरियल या 3 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल, जैसे मैंने बोला n का वैल्यू 4 फैक्टोरियल, तो आपको क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मतलब 4 × 3 × 2 × 1। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, 1, 2, 3, 4 अप टू 4 तक, अप टू एन तक आपको इनका प्रोडक्ट करना होता है। आपको बोला कि 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल को आप क्या बोलोगे, 10 × 9 × 8 × 7 ऐसे करते करते लास्ट में इंटू 1 हो जाएगा। और ये कितना भी बड़ा आपके पास आ जाए, चाहे आपके पास 100 फैक्टोरियल भी आ रहा है, तो आप उसको अप टू 1 तक ही मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, इनटू 98 कर करके लास्ट में इनटू 1। तो ये जो आपने पी एन ऊपर लिखा है उस, और ये एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखा है, ये दोनों सेम चीज है? ये फॉर्मूला है फैक्टोरियल का, सिर्फ डेफिनेशन यहाँ बताया था, क्योंकि आपको आगे आगे जैसे एन की जब भी वैल्यू मिलेगी तो वहां पर आपको फैक्टोरियल के हिसाब से लेके चलना पड़ेगा ना, इसलिए फैक्टोरियल बता रहा हूँ मैं क्या है, ठीक है। सर ये NPR और ये सेम है? हाँ, ये फॉर्मूला है NPR का, NPR में का अरेंजमेंट बनाने के लिए, यू हैव एन ऑब्जेक्ट टेकिंग आर एट ए टाइम, तो वहां पर आप NPR लगाते हो, और जिसका ये फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। n क्या है? आपके टोटल नंबर ऑफ वो, r क्या है कि जितने आपको पिक करना है उसमें से, ठीक है। तो जैसे अब ये फैक्टोरियल समझ आ गया सबको? अब फैक्टोरियल में क्या है ना, एक कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आया था फैक्टोरियल में ना, कि जैसे 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू ना, बहुत से लोग 0 लगा देते हैं, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी ना 1 होता है, क्योंकि आपको क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, 1 से नीचे आप करते ही नहीं हो, तो वहां पर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 ही दी गई, 1 से कम होता ही नहीं है फैक्टोरियल के केस में, 0 तक वो कभी जाएगा नहीं, तो 0 बनेगा कैसे, ठीक है। तो उसलिए 0 फैक्टोरियल का भी जो वैल्यू होता है ना, वो 1 होता है। वहां पर कई बार ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, तो वहां 0 मत लगाना, 1 होगा, ठीक है। चलो, तो आप
एक बार अभी आपने जो लास्ट में बोला रिपीट करेंगे प्लीज, मेरा नेट बंद हो गया था। मतलब जो जीरो फैक्टोरियल होता है ना उसकी वैल्यू ना वन होती, जीरो नहीं होती, क्योंकि जैसे नेचुरल नंबर की बात की, फैक्टोरियल क्या होता है, एन फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर स्टार ही वन से होता है। तो मतलब सबसे लास्ट वाला जो वो होगा, जैसे 10 × 9 × 8 × 7 अप टू करके कहाँ तक आएगा, लास्ट में वन तक आएगा, तो जीरो बनने का मतलब नहीं बनता है ना। तो जीरो फैक्टोरियल भी अगर आपको कहीं देता है लिख के, कई बार ऐसा कुछ केसेस आएंगे कि डिनोमिनेटर में एन माइनस आर करके ना वह जीरो बन जाएगा। आप सोचोगे आप जीरो बन गया, ये तो रैशनल नंबर ही नहीं रहा, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, वहां पर आप उसको वन लेके चलते हो, समझ रहे हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको एन की वैल्यू जो है ना फाइव दू, एन इज इक्वल टू फाइव, आर इज इक्वल टू फोर, या फिर ऐसा कर लो एन की वैल्यू भी पांच दे दू और आर की वैल्यू भी पांच दे दू, तो एन आपने ऊपर क्या बोलोगे, फाइव फैक्टोरियल अपॉन में फाइव माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो फैक्टोरियल। तो इसको ना वन रख के चलना है आपको ना, तब आप फाइव फैक्टोरियल की वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होगा फिर। सर ये समझ में आ गया, पर n और r क्या, कोई नहीं समझ में आया जो आपने लाइन बोली थी ना, इफ वी हैव n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग r एट अ टाइम, तो उसका एग्जांपल। n का मतलब हुआ जैसे सपोज करो तुम्हारे पास ना, अभी जैसे पीछे एग्जांपल था तुम्हारे पास पांच डिजिट थे, पांच में से तुमको तीन डिजिट का वो बनाना था, ठीक है, नंबर बनाना था, तो तुम n की वैल्यू 5, टोटल डिजिट आपके पास 5 है, उसमें से 3 का ही अरेंजमेंट आपको बनाना है, ठीक है सर, ठीक है। तो वो होता है NPR, ठीक है। तो जैसे अब जैसे ये फॉर्मूला समझ आ गया सबको, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसके बाद क्या होता है, अब जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, हाउ मेनी r डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 और अप टू एन तक, ठीक है। और यहाँ क्या बोला, रिपीटेशन अलाउड है, अज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है। तो रिपीटेशन अलाउड में आप क्या कर रहे थे, आप n × n × n ही तो करते जा रहे थे ना, n × n × n अगर आप करते जाओ कितने टाइम, आठ टाइम, n^r, उसको बोल दिया n^r, ठीक है। दूसरी नेक्स्ट थिंग ये क्या है कि अगर आपको नंबर ऑफ परम्यूटेशन और अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग निकालना हो एट ए टाइम, तो वो ना एन फैक्टोरियल वैसे रिप्रेजेंट हो जाते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, कई बार वर्ड यूज करेगा परम्यूटेशन और कई बार वर्ड यूज करेगा अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, taken all at a time, तो उस केस में जो है ना ये बन जाता है n factorial आपका। मतलब आपके पास जैसे सपोज करो मैं बोलूं कि तीन लेटर है और तुमको बताना है, मतलब तीन लेटर छोड़ो, तीन अल्फाबेट ले लो, जैसे बोला कि ए बी सी, तीन तीन ये अल्फाबेट है, इनसे कितने वर्ड्स आप फॉर्म कर सकते हो। तो क्या बोला गया कि तीन वर्ड्स थे, मतलब तीन अल्फाबेट थे हमारे पास, हमने कितने में बनाए थे अरेंजमेंट पहले शुरू में जब आपने देखा था, छह बनाए थे। तो इसको बोला गया कि अगर आपके पास जितने भी n की वैल्यू है अगर आप उनको सभी को एक साथ ले रहे हो तो उनको n फैक्टोरियल ले सकते हो। n फैक्टोरियल मतलब आपके पास लेटर कितने, तीन, तीन फैक्टोरियल ले सकते हो इसको, तीन फैक्टोरियल कितना था, 3 × 2 × 1 = 6। तो ये उस वाले काम को सिंपल करने के लिए कि आपको ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी मतलब बी सी ए जो भी है, उस तरह के मतलब वो सब बनाने के लिए, उस तरह के अरेंजमेंट से बचाने के लिए आपको डायरेक्टली बोल दिया कि अगर आपके पास एन थिंग्स हैं और आप उनको सबको एक साथ ले रहे हो
सभी का यूज कर रहे हो तो वहां पर आप एन फैक्टोरियल यूज कर सकते हो, जैसा कि हमने अपने अल्फाबेट एबीसी में यूज किया था। आपके पास तीन अल्फाबेट है, आप डायरेक्टली थ्री फैक्टोरियल करके आर नहीं है ना, यहाँ जरूरत भी नहीं है आर की। हाँ। यहाँ पर हम लोग इसमें मतलब रिपीटेशन नहीं होगी, रिपीटेशन ये उसका नहीं है, ये बिल्कुल एक जनरल कंसेप्ट है। रिपीटेशन का छोड़ दो अभी, ये मैंने सबसे शुरू में जो बात की थी ना एबीसी वाली, ये मैं उसकी बात बता रहा हूँ। अरेंजमेंट बना रहे थे ना वहाँ, तो आपको बोला गया है कि अगर आपके पास एन थिंग्स हैं और आप सभी को यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ दो केस है, पिछले वाले पेज पे मैंने क्या बताया कि आपके पास एन थिंग्स है एंड यू आर टेकिंग आर एट ए टाइम, तब ये एनपीआर लगा कि आपके पास दस अल्फाबेट है, आप पांच डिजिट का नंबर बनाना चाहते हैं तो एनपीआर। आपके पास दस अल्फाबेट है, उन दस अल्फाबेट को आगे पीछे कर करा के आप कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं या कितने वर्ड्स बना सकते हैं, दिस इज एन फैक्टोरियल। ठीक है आर्यन? लेकिन सर वो जो एबीसी वाला जो आपने एग्जांपल दिया था उसमें आर तो थ्री होगा ना, क्योंकि तीन बना रहे एबीसी एसीबी ऐसे वो तीन बना रहे हैं। अरे तो तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास तीन अल्फाबेट है और तुम्हें सभी को यूज करके डिजिट बनाना, तो चार तो नहीं बना पाओगे ना, चार डिजिट लेटर तो नहीं बना पाओगे ना, तो वहाँ खुद से आर रिज्यूम कर लो तो वो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ जरूरत ही नहीं आर की, है ना। आर कब होता है कि आपके पास दस लेटर है, या मतलब दस लेटर है, आपको थ्री डिजिट लेटर बनाना है, है ना। सर बात तो वही हो गई ना, एन पी एन हो जाएगा ये। हाँ तो सर फिर नीचे एन माइनस आर हो जाएगा ना, क्योंकि एन भी नहीं है। हाँ एन माइनस एन हो जाएगा, वो जीरो फैक्टोरियल हो जाएगा, बात तो वही आ जाएगी। बात तो वही आ गई, बात तो वही थ्री फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल ही बन गया ना बाद में आके। ठीक है तो हाँ मैंने assume कर रहे हैं, तो वही कह रहे हैं ना, assume करके भी अगर आप उसको करोगे तो ultimately n factorial ही रह जाएगा, क्योंकि n minus r zero बन जाएगा, zero is one factorial, one factorial is nothing, है ना। तो ultimately आपका ये directly ऐसे हो जाता है। ठीक है तो जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं, अगर आपको बोला जाए 15 P4, उसका वैल्यू बताओ सब लोग सॉल्व करके फटाफट। एक ये बताओ 15P4, एक बताओ 6 factorial minus 4 factorial, एक बताओ 3 factorial plus 5 factorial। जैसे 15 है तो मतलब सारे निकालने पड़ेंगे 15 14 13 मतलब ऐसे करके। सर पहले का आंसर 32760 है, अभी देखते हैं आंसर, मुझे भी नहीं पता, मैं कुछ भी लिख दूं ऐसे। सही है सर, वो सेकंड का है 30, आखिरी का वो 26। देखो मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को इसलिए नहीं दिया कि मतलब आप लोग जैसे एक छोटा सा एरर कर देते हैं बहुत से लोग ना, मेरा देने का पर्पस ये था, आप सब लोग सोल्व कर दोगे अभी तक समझ आ रहा होगा आपको, मेरा देने का पर्पस ये था, बहुत से लोग 6 factorial minus 4 factorial करके ना इसको 2 factorial लिख देते हैं और वो गलत हो जाता है। ठीक है 3 factorial plus 5 factorial is equal to 8 factorial कर देते हैं, वो भी गलत हो जाता है। यहाँ पर आपको फैक्टोरियल के साथ बोला है तो आंसर भी फैक्टोरियल के साथ ही करना है, मतलब जैसे अभी तुम सृष्टि पूछी ना कि हम 15 को ऐसे लिखेंगे 15 × 14 × 13 × ऐसे करके लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ पर, तुम क्या करोगे n फैक्टोरियल, फॉर्मूला क्या है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, तो n का वैल्यू तुम बोलोगे 15 है, 15 फैक्टोरियल अपॉन में 15 माइनस 4 फैक्टोरियल कितना आएगा 11 फैक्टोरियल आ गया। तो जब तुम्हारा डिनोमिनेटर पे 11 है ना सृष्टि, तो तुम 15 × 14 × 13 × 12 करके और यहाँ डायरेक्ट 11 फैक्टोरियल लिख दोगी, जिससे कि ये कट जाएगा पूरा। ठीक है और ऊपर तुम्हारा सिर्फ इतना रह गया 15 × 14 × 13 × 12, तो इसको मल्टीप्लाई करना है फिर। अब इसको करके देख लो आप लोग कितना आ रहा है, जितना भी है तो सही है वो 32760। ठीक है वैसे ही आप इस वाले में करोगे माइनस वाले केस में 6 × 5 ×
फोर फैक्टोरियल, और माइनस फोर फैक्टोरियल तो डायरेक्टली माइनस हो जाएंगे ना, फोर से फोर कर सकते हैं ऐसा? सर कॉमन तो भी ले सकते हैं फोर फैक्टोरियल को. देखो आप क्या करोगे, आप जब हमें फैक्टोरियल में आंसर देना है तो कॉमन ले लेंगे फैक्टोरियल को. ऐसा हाँ, आप या तो फैक्टोरियल को कॉमन ले लोगे. आप ऐसे मत कर देना गलती से कि 6 इंटू जैसे पीछे किया डिवाइड वाले में कि 6 इंटू 5 किया इंटू 4 फैक्टोरियल करके इसको माइनस कर दिया. आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसमें से माइनस करोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. नहीं तो फैक्टोरियल सेम है ना, कट तो जाएंगे, माइनस थोड़ी कर दोगे आप क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर. हाँ तो कट जाएंगे ना ऊपर को. हाँ 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 ठीक है ठीक. वैसे ही आप इसका करोगे पूरा 3 इंटू 2 इंटू 1 करके प्लस 5 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 हो गया प्लस 20 तीन 60 120 126. ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर. चलो अब जो है ना, अब थोड़ा सा अलग टाइप की प्रॉब्लम पे जाते हैं. ये तो था एक नॉर्मल परम्यूटेशन का हमने प्रॉब्लम किया. अब होता क्या है ना कि रिपीटेशन होने लगती है अब डिजिट्स की. रिपीटेशन मतलब अदर सेंस में बोल रहा हूँ मैं, जैसे सपोज करो कि अगर तुमको लिखना हो आमला, आमला में ए दो बार रिपीट कर रहा है, या जैसे आपको अगर डिजिट्स लिखने हो तो 1 1 2 2 2 तीन बार आ गया, 4 4 4 चार बार आ गया, 5 5 5 तीन बार आ गया. इस तरह से क्या ना, मतलब सेम डिजिट रिपीट कर रहे हैं, सेम वाले डिजिट जो हैं आपके वो रिपीट कर रहे हैं. वो वाला रिपीट अलग था, वो अलग ही डिजिट थे, मतलब कुछ भी हो सकता था ना. यहाँ पर क्या, 1 कई बार आ रहा है आपका वर्ड में, या फिर मतलब डिजिट्स मतलब आपके नंबर में 1 कई बार आ रहा है, 2 कई बार आ रहा है, 3 कई बार आ रहा है, 4 कई बार आ रहा है. तो उस तरह के कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बोलूँ एक तरह से एक मैट, तो अगर मैं बोलूं कि इसके अरेंजमेंट बनाओ तो आप कितने अरेंजमेंट बना पाओगे मैट के, बताओ? आप बोलो कितने बन जाएंगे, 6. क्या क्या बनेंगे, एम ए टी, एम टी ए, एम टी, ए एम टी, ए टी एम, उसके बाद टी ए एम, टी एम, टी एम, ये सब बन जाएंगे. लेकिन अगर मैं एम ए टी की जगह अगर ये वाला टी हटा दूं और यहाँ से इसको डिजिट को ना दो बार ए कर दूं, रिपीट कर गया ए, अब कितने बनेंगे? अब देखो आप क्या करो ना, जहां जहां टी है ना वहां ए को लगाते जाओ, यहाँ भी एम ए ए हो जाएगा, दूसरे वाला भी, तीसरे वाला भी एम ए ए हो जाएगा. नहीं नहीं गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, रुको. दूसरे एम ए ए, ये भी एम ए ए हो गया आपका, दूसरे वाला ये क्या हो जाएगा, ए एम टी, ए एम ए, ये वाला ए एम ए हो गया, ये वाला ए ए एम, ए ए एम, ये ए ए एम, ए ए एम, और ये वाला ए एम ए, ए एम ए. अब आप एक बात आपको नजर आ रही होगी कि इसमें सारे जितने भी है ना, देखो एम ए दो बार रिपीट कर रहा तो एक जो फालतू उसको काट देते हैं, है ना. दोबारा ए एम ए, ए एम ए ये भी रिपीट कर रहा, इसको भी एक बार काट देते हैं. ए ए एम और ए एम ये भी डबल है तो इसको भी एक बार कट करना पड़ेगा, है ना. तो अगर आपका डिजिट रिपीट किया, जैसे टी था यहाँ पर तो 6 बने, यहाँ पर एम ए ए हो गया तो कितने बने, सिर्फ 3 अरेंजमेंट बने. ऐसा अगर आप लोगों को बहुत बड़े मतलब एन नंबर ऑफ डिजिट्स में या फिर एन नंबर ऑफ अल्फाबेट्स में अगर आपको करना हो तो इसको सॉल्व करने का सीधा सीधा हिसाब होता है कि जब आपको डिजिट रिपीट करता है या फिर आपका अल्फाबेट रिपीट करता है तो उस केस में आप क्या करते हो कि टोटल अल्फाबेट कितने यहाँ पर, 3. तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3 अल्फाबेट कितने होंगे,
थ्री अल्फाबेट्स को अरेंज करने के कितने वे हो सकते हैं? थ्री फैक्टोरियल ना अभी किया था हमने पीछे, ठीक है, तीन लेटर है ना हमारे पास, तो थ्री फैक्टोरियल में ही अरेंज करेंगे ना। हाँ वैसे तुम सिक्स सही बोल रही हो कि अगर आपको एम ए टी उसकी बात है तो सिक्स हो जाएगा, क्योंकि थ्री फैक्टोरियल इज थ्री इंटू टू इंटू वन इज इक्वल टू सिक्स, वो करेक्ट है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब रिपीट करता है ना कोई सेम अल्फाबेट, तो उस केस में क्या होता है, आप उस रिपीट वाले के वो अरेंजमेंट देखते हो कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज टू रिपीट ए, जो ए रिपीट कर रहे हैं उनके अरेंजमेंट कैसे बनाओगे, वो क्या होता है टू फैक्टोरियल, क्योंकि दो है। और फिर आप सीधा सीधा क्या करते हो, आप थ्री फैक्टोरियल अपॉन में टू फैक्टोरियल कर देते हो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हो जहां पर आपका अल्फाबेट रिपीट कर रहा हो। मतलब थ्री फैक्टोरियल इज टोटल अरेंजमेंट अपॉन में उस नंबर उस अल्फाबेट के अरेंजमेंट जो रिपीट कर रहा है, तो टोटल अरेंजमेंट थ्री थ्री फैक्टोरियल और नीचे कौन सा टू फैक्टोरियल, क्योंकि आपके जो ए जो है वो दो बार रिपीट कर रहा था, तो उस केस में आपने बोला कि थ्री इंटू टू फैक्टोरियल से टू फैक्टोरियल कट जाएगा, तो इसको आपने कट किया, आपका आंसर क्या आया इज इक्वल टू थ्री, देख लो यहाँ थ्री आया आपका। तो यहाँ पर होगा क्या ना कि यहाँ पर कंडीशन क्या है कि कोई आइडेंटिकल अल्फाबेट या आइडेंटिकल डिजिट जो है ना वो रिपीट करता है, और जो भी आइडेंटिकल डिजिट या अल्फाबेट रिपीट कर रहा है उतने फैक्टोरियल से आप उसको टोटल फैक्टोरियल वाले को टोटल अरेंजमेंट्स को डिवाइड कर देते हो। जैसे मैं एक और एक एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ से तुमको और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे एक वर्ड है हमारे पास मैथमेटिक्स, एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस। अब एक बात बताओ, मैथमेटिक्स में क्या क्या टोटल लेटर कितने हैं? टोटल लेटर्स 11, तो इनको कितने उसमें कितने वेज हो सकते हैं इसके लिए? 11 फैक्टोरियल है ना भाई, 11 लेटर्स को आप कितने वे में अरेंज कर सकते हो? 11 फैक्टोरियल में। अब इसमें रिपीट क्या है, ए कितनी बार रिपीट है? Twice. ए दो बार है, उसके बाद और क्या रिपीट है? टी रिपीट है कितनी बार है? Two times, वो भी दो बार है। MB. और तो कुछ नहीं है ना sir. तो अगर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ वेज या फिर नंबर ऑफ परम्यूटेशन पूछता है वो, तो वहां पर आप क्या बोलोगे कि आपका टोटल जो वेज है या टोटल अरेंजमेंट 11 फैक्टोरियल है, उसमें से ए दो बार रिपीट करता है इंटू टी दो बार रिपीट करता है इंटू एम दो बार रिपीट करता है, आप इन सब के आपस में जो भी अरेंजमेंट बनेंगे डिवाइड कर दोगे 11 फैक्टोरियल को, तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज जिसे आप वर्ड मैथमेटिक्स को वो कर सकते हो अरेंज कर सकते हो। तो जो 11 अपॉन 6 फैक्टोरियल यही होगा ना मतलब? नहीं, हाँ 6 फैक्टोरियल क्यों बोल रहे हो तुम ऐसे? क्योंकि टोटल मतलब जो ए रिपीट 2 टाइम्स कर रहा था, टी भी 2 टाइम्स कर रहा था। सिक्स फैक्टोरियल नहीं करोगे, टू 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 अलग रखोगे, ऐड नहीं करोगे उनको, मैंने इनटू लगाया ना बीच में, एडिशन नहीं लगाया उसको। सिक्स फैक्टोरियल की वैल्यू अलग हो जाएगी ना, वैल्यू ही अलग हो जाएगी फिर। हाँ आपका फैक्टोरियल डायरेक्टली ऐड या मल्टीप्लाई नहीं हो सकते ना, मतलब इससे अब यहाँ पे 2 2 4 4 2 8 हो सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं हो सकते 8 फैक्टोरियल, आप इसको बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। आप क्या करोगे, पहले 11 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे यहाँ पर पूरा 11 इंटू 10 इंटू 9 अप टू 1 तक, और फिर जितने भी 2 फैक्टोरियल से कट रहे होंगे उनको कट कर दोगे, बाकी को मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 2 फैक्टोरियल इज 2 बेसिकली, तो आपको 2 2 2 करके ऊपर वाले को कट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जैसे 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1, तो आप इसको बेस में 8 बेशक लिख सकते हो, लेकिन 8 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, लेकिन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को नहीं कर सकते। अरे क्यों पूछेंगे बताओ सर, जब हम 11 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो उसमें जो एंड का होगा कि इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 जो फिर कंटिन्यू होता है। दोबारा अपना क्वेश्चन बोलो, मैं कोई और ध्यान से बोलूं। जैसे 11 फैक्टोरियल
को सॉल्व करेंगे तो लास्ट में 6, 5, 4, 3, 2, 1 होगा। तो 2 factorial और नीचे वाले 2 factorial और एक और 2 factorial ये factorial सीधा सीधा काट सकते हैं। हाँ, 2 factorial से 2 factorial काट सकते हो बस आप। 4 factorial से 4 factorial काट सकते हो। 6 factorial से 6 factorial काट सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ ना यहाँ पर आप लोगों को क्या होगा, जैसे आप 11 2, अब जैसे इसको करने का क्या होता है, बहुत से लोग ना इसको पूरा सॉल्व करने लगते हैं। अब जैसे आप लोग अगर देखो ना कि 11 × 10 × 9 × 8 × 7 करके अप टू 1 तक जाएगा, और बेस में क्या आएगा उसके 8, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि इन सब का जो प्रोडक्ट होगा एन वाले नेचुरल नंबर का, उसमें से खाली 8 ही तो नीचे से कटेगा, बाकी सब तो मल्टीप्लाई होंगे ही ना। तो आप सबको मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ 8 को छोड़ के। बस 8 ही हटाना, क्योंकि नीचे 8 आ रहा ना 2 factorial का सॉल्व करने के बाद तीनों का, क्योंकि 2 × 2 × 2 ही बनेगा, 8 बन जाता है, और 8 बन रहा है तो आप 8 कट करोगे, बाकी सारा ऐसे ही चला जाएगा पूरा। ठीक है, सर एक चीज पूछनी थी। यस सर, हमने मतलब इनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 11 factorial upon 2 factorial × 2 factorial × 2 factorial क्यों लिया, मतलब ए रिपीट दो बार हो रहा तो उसका। हाँ, ये वाला ए के लिए, ये वाला टी के लिए, ये वाला एम के लिए, और अलग अलग लेना पड़ेगा तुमको। और फिर सर जैसे बाकी के अल्फाबेट्स है जैसे एच हो गया, इन सब का हम कंसीडर नहीं करते, रिपीट नहीं है ना, वो तो हमने टोटल में काउंट कर लिया ना 11 फैक्टोरियल में, और उनमें से हम वो हटा दे रहे हैं जो रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, ये दो से डिवाइड करने का मतलब क्या होगा? एट कट किससे करा आपने? अरे एट, ये क्या होगा 11 का क्या होगा, ए 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ठीक है। ये क्या होंगे, ये 2 × 1 2 × 1 2 × 1 तो 2 × 2 × 2 8 बन जाएगा ना, तो ये 8 से 8 कट जाएगा डायरेक्ट, बाकी तो सारा मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है सर, हाँ ठीक है ठीक है। अब जैसे एक वर्ड में दे रहा हूँ आप लोगों को, उसके बताना कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। वर्ड है परम्यूटेशन, अब इसको टॉपिक वाला परम्यूटेशन नहीं, ये वर्ड है हमारे पास, क्वेश्चन ही यही है, इसके अरेंजमेंट्स बताने आपको कितने बन सकते हैं। देखो आप लोगों के पास क्या बना, टोटल अरेंजमेंट कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल 11 फैक्टोरियल अपॉन में, रिपीट क्या है इसमें, टी रिपीट है 2 times तो 2 factorial, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन में 2 factorial, लास्ट वाला 2 कट जाएगा, मतलब 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × and so on ऐसे चलता चला जाएगा अप टू कहां तक, 3 तक, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 कट चुका है नीचे से ना। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। चलो अब नेक्स्ट सर, इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस करने के लिए कोई शॉर्टकट है? नहीं, मेहनत इज द ऐसे 20 फैक्टोरियल आ गया, 25 फैक्टोरियल तो पूरा करना ही पड़ेगा। वैदिक मैथ देखो, सुनो ऐसा होता है जब, हाँ ऐसा होता है जब बहुत ज्यादा लंबा ऐसा कुछ वैल्यू होता है ना, इनका वैल्यू जहाँ फैक्टोरियल बहुत बड़ा आ जाए, तो उस केस में वो ऑप्शन भी फैक्टोरियल में ही दे देते हैं। ठीक है ना, और जहाँ पर वो आंसर एग्जैक्ट मांगते हैं वहाँ छोटा ही होता है, वहाँ बड़ा नहीं होगा, क्योंकि उनको भी पता है कि हम लोग ना बच्चे को असेस कर रहे हैं फॉर देयर एप्टीट्यूड, नॉट टू मेक दम कैलकुलेटर, है ना। तो ठीक है, तो इस तरह से सोचो,
आप लोगों को ना कि जो बहुत बड़ा डेटा आएगा तो उस केस में ना ऑप्शन भी फैक्टोरियल में ही जैसे यहाँ पर ये है इस तरह से ऑप्शन भी डायरेक्ट भी ऐसे भी आ जाता है फैक्टोरियल अपॉन में टू फैक्टोरियल। अब उसमें आंसर में ऑप्शन कुछ ऐसे भी होते हैं उनको ये भी पता होता है कि आप लोग गलतियां करोगे उसमें वो 11 बाई 2 फैक्टोरियल तो ठीक है कई बार देते हैं 11 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल कई ऑप्शन में देते हैं 11 बाई 2 फैक्टोरियल कई ऑप्शन में देते हैं कि 5.5 फैक्टोरियल है ना और जो एक्चुअल आंसर होता है ना वो नन ऑफ दीज में पड़ा होता है। अब बहुत से लोग इसे भी पिक करते हैं बहुत से लोग इसे भी पिक करते हैं है ना तो वो हमें नहीं करना है हमें फैक्टोरियल के केस में बहुत स्पेसिफिक रहना है कि आपको आंसर वैसे नहीं देना 11 बाई 2 फैक्टोरियल भी आप उसको नहीं बोल सकते ठीक है। तो जैसे 5.5 फैक्टोरियल सॉल्व तो नहीं हो सकता सॉल्व भी नहीं हो सकता लेकिन वैसे भी तो तुक नहीं बनता ना चलो 12 होता अगर ये 12 से मैं पूछ रहा हूं कि हो सकता है नहीं हो सकता ना नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे 5.5 से चलो आप 5 4 3 2 1 5.5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर और फैक्टोरियल का क्या बोला कि प्रोडक्ट ऑफ एन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स तो वो नहीं होगा लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ दे देते हैं ऐसा कि आप गलती करो क्योंकि आपको पता है 11 एंड हाफ मतलब 11 को आधा करोगे तो 5.5 आएगा और वो गलत हो जाएगा ठीक है। तो ये समझ आ गया जहाँ पर आपका आइडेंटिकल अल्फाबेट या डिजिट आपका रिपीट करता है उस केस में आप इस तरह से करोगे जब भी इस तरह का केस आएगा आपको अरेंजमेंट्स बनाने का वहाँ आप देखोगे कौन सा डिजिट आपका जो है वो या फिर कौन सा अल्फाबेट जो है वो रिपीट कर रहा है उसके हिसाब से आप सॉल्व करोगे ठीक है। चलो अब एक एक नेक्स्ट केस आता है जब आप लोगों को कुछ कंडीशन गिवन होती है और कंडीशन कुछ इस तरह से होती है जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे जैसे ऑल वॉवल्स शुड बी टुगेदर ऑल कॉन्सोनेंट शुड बी टुगेदर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना तो इसमें क्या होता है टुगेदर की कंडीशन होती है इसमें स्ट्रिक्ट कंडीशन ये देते हैं जैसे सपोज किया कि ऑल वॉवल्स शुड बी टुगेदर अब ये कंडीशन आ जाती है जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें ना हम हमारा दो दो केस करेंगे एक ऑल वोवेल्स शुड बी टुगेदर और जहाँ पर ऑल वोवेल्स आर नॉट टुगेदर तो जैसे पहले वाला केस है वोवेल्स टुगेदर वर्ड हम लेते हैं डॉटर डी ए यू जी एच टी ई आर इसमें क्वेश्चन बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट एट लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। पहला क्वेश्चन है ऑल वोवेल्स अकर्स टुगेदर और दूसरा क्वेश्चन है ऑल वोवेल्स टू नॉट अकर टुगेदर। तो अब डॉटर में पहले देखो वोवेल्स क्या है कौन कौन से आपको बोला गया कि तीनों वोवेल्स ना साथ में होने चाहिए तो आप क्या करो ना इस तीनों वोवेल्स का ना एक ही यूनिट बना लेते हो इसको एक ही यूनिट कंसीडर करते हो आगे क्या बचता है डी जी एच टी आर जी एच टी आर ये बच गया। तो आप इसमें पता है यूनिक क्या होता है इसमें आप लोगों को यूनिक कुछ नहीं करना है आप लोगों को जो बोला ना ऑल वोवेल्स टुगेदर ऑल वोवेल्स को टुगेदर रखो और उनको ना एक ही यूनिट कंसीडर करके यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो आपके लेटर्स हैं उनको क्या कंसीडर करते हो आप 1 2 3 4 5 6। तो अब अगर आपको इन सब का अरेंजमेंट देखना हो या नंबर ऑफ वेज टू अरेंज देम अगर आपको देखना हो तो कितने होंगे वो आप लोग बोलोगे 6 फैक्टोरियल क्योंकि आपको तीनों वेल्स को टुगेदर रखना था आपने तीनों का एक ही यूनिट बना दिया काम ही खत्म। अब प्रॉब्लम क्या है आप इसको डायरेक्टली 6 फैक्टोरियल आंसर नहीं कर सकते हो डायरेक्टली 6 फैक्टोरियल आंसर इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि जो आपने तीनों वोवेल्स साथ में रखे हैं ना वो भी तो आगे पीछे हो सकते हैं ना आपको उनका भी अरेंजमेंट देखना पड़ेगा इनके भी नंबर ऑफ वेज देखने पड़ेंगे नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3 वोवेल्स इन तीनों को अरेंज करने के कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं तो आप क्या बोलोगे 3 फैक्टोरियल। अब मुझे एक बात बताओ आपको ये यूनिट भी बनाना था आपको साथ में
वोवेल्स के अरेंजमेंट भी बनाने, तो कौन सा प्रिंसिपल लगे है यहाँ पर? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, क्योंकि साथ में करना है। यस, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पर, क्योंकि आप दोनों में से किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते हो, आपको एट ए टाइम दोनों चीजें लेनी है। तो आप क्या बोलोगे, 6 factorial into 3 factorial आर द नंबर ऑफ वेज और आर द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड डॉटर वेयर ऑल द वर्ल्ड्स आर टुगेदर। आप क्या बोले, 6 factorial into 3 factorial। यहाँ तक क्लियर है सबका? यस सर। दूसरा, जब आपको बोला गया दूसरे केस में, जब आपके टोटल वॉयल्स जो ऑल वॉयल्स डू नॉट अकर टुगेदर, एक मिनट जरा, हाँ बताइए क्या क्या दिक्कत है, बताओ कहाँ पर मिस किया यहाँ पर? सर अगर ऐसे केस में रिपीटेशन आ जाती तो, मतलब जैसे मतलब दो बार ए वॉयल्स दो दो बार आ जाते, ये केस ना वहां से बिल्कुल अलग है यार, ये रिपीटेशन के साथ ही चल रहा है। अगर आप लोगों को दिख रहा हो जब आप सारे यूज कर रहे हो, ये रिपीटेशन ही हो रहे हैं, मतलब वहाँ जो वर्ड था ना वो केस ही अलग था, जहाँ रिपीटेशन और डिजिट में क्या था कि आपका एक ही डिजिट की बात नहीं आ रही थी। ठीक है, आप कौन सी रिपीटेशन की बात कर रहे हो, इससे पिछले वाले कंसेप्ट की जस्ट स्टार्टिंग वाले की, ये बताओ? इस वाले कंसेप्ट की बात कर रही हूँ जहाँ पे वॉवल्स है, अगर ये वॉवल्स डबल होते तो, हाँ अगर ये डबल होते तो सबको फिर दो से आपको डिवाइड करना पड़ता, थ्री फैक्टोरियल वाले को। ये तुम बिल्कुल करेक्ट पूछी हो कि अगर आपके सपोज करो ए दो बार होता, यू दो बार होता, ई दो बार होता, तब आप जो ये थ्री फैक्टोरियल वाले अरेंजमेंट बनाते ना, इन्हें ही टू से डिवाइड करते, टू फैक्टोरियल ईच से। मतलब मैथमेटिक्स वाले पाएंगे। सर एक बार इसका प्रॉपर आंसर क्या निकल रहा है, 6 factorial 3 factorial का? अभी आंसर पे मेहनत मत करवाओ मेरे से, वो तुम लोगों के हवाले कैलकुलेशन, 6 into 5 into 7 into 4 into 3 into 2 720 into 3 factorial 6 भी तो करोगे? 726। अरे 726 कैसे आ जाएगा, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 करके ही 720 आ रहा है। 4320। अच्छा ना, सॉरी मैंने ऐड कर दिया। अरे into 6 भी करोगे फिर तुम, कितना आ रहा है, 4320। ठीक है, ये तो हो गया जब आपका टुगेदर वाली बात आई, वोवेल्स शुड बी टुगेदर। दूसरे केस में बोला कि ऑल वॉवेल्स नॉट अकर टुगेदर, तो उस केस में आप लोग क्या बोलोगे, ऑल पॉसिबल वो क्या बनेंगे आपके, बताओ? ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट कितने बनेंगे? देखो नॉट टुगेदर की बात आ रही है, वही मतलब इसमें सभी लेटर लेने आपको 11 factorial 11 लोगे ना, डॉटर में कितने लेटर हैं, डॉटर में 1 2 3 4 11 कुछ भी गाए जा रहे हो तुम लोग, 8 ही तो है, 8 factorial। तुम लोग अभी मैथमेटिक्स में चल रहे हो, हाँ 8 factorial आर ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड डॉटर। ठीक है, अब आप इसमें से अगर 8 factorial में से जो आपने पीछे 6 factorial into 3 factorial निकाला, अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो ये बाकी वाले वेज आ जाएंगे ना जिसमें वर्ड्स आपके टुगेदर नहीं होंगे। पहले वाला केस के सारे अरेंजमेंट, सारे में से जिसमें वर्ड्स टुगेदर है उनको हटा दो तो वो नहीं टुगेदर वाले आ जाएंगे। yes. तो वो आपके हो जाएंगे 8 factorial minus 6 factorial into 3 factorial। 8 factorial का आपको आंसर निकालना पड़ेगा, 6 into 3 का आप निकाल चुके हो, कितना था, 4320, और इनको आप इस तरह से माइनस करके सॉल्व कर लेना। सबट्रैक्ट क्यों करेंगे, सबट्रैक्ट क्यों करेंगे, अभी रुको जरा मैं क्या क्या एक एग्जांपल देता हूं तुमको। मतलब अगर वॉवल्स इकट्ठे नहीं है तो फिर तो हम उसे नॉर्मली जैसे डॉटर है वैसे भी ले सकते हैं ना। सुनो सुनो,
आपको एक बात बताओ, पूरे लेटर में क्या जो अरेंजमेंट की बात आती है, क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकती है? दो ही हो सकती है, या तो वोवेल साथ में है या नहीं है, है ना? अगर वोवेल साथ वाले तुमने निकाल लिए, तो अगर तुम टोटल अरेंजमेंट में से माइनस कर दोगे तो नहीं वाले नहीं आ जाएंगे, है ना? अगर तुम एक सपोज करो कॉलेज में तुम्हारे पास 10 सब्जेक्ट हैं, 10 में से पता चला तुम 6 सब्जेक्ट में पास हो, अच्छा फेल नहीं करना चाहता हूँ किसी को, पर तुम चलो 6 में पास हो, तो आ गया है ना तो 6 में पास हो, अगर तुमको बोला जाए तुम कितने सब्जेक्ट में फेल हुए, तुम क्या करोगे? दस में से 6 माइनस, तो है ना? हाँ, मतलब 10 में 6 माइनस करूंगी तो 4 फेल वाला जाएगा। वैसे यहाँ पर हुआ कि टोटल सब्जेक्ट तुम्हारे 8 फैक्टोरियल है, 8 में से तुमको पता चला यार 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 6×3 फैक्टोरियल है, जिनमें मैं वोवेल्स टुगेदर आएंगे या पास हूँ, यहाँ पर वोवेल्स टुगेदर वाला केस है, तो उसको माइनस कर दोगे, नहीं वाले नहीं आ जाएंगे नॉट टुगेदर वाले, ठीक है? चलो मैं एक और एक नया वर्ड देता हूँ आप लोगों को, सिग्नेचर। मतलब 8 फैक्टोरियल में, एक सेकंड सर, मतलब 8 फैक्टोरियल में हम कह नहीं सकते कि वोवेल साथ में है या नहीं है? वो हाँ, वो साथ में भी है नहीं भी है, दोनों है। उसमें से 7 वाले हटा दिए, नहीं वाले आ गए हमारे। हाँ, ये वर्ड सिग्नेचर का निकालो जरा। अब दो वोवेल्स टुगेदर, दोनों का निकालो, क्या हो गया? दोनों केसेस टुगेदर, नॉट टुगेदर, दोनों। इसको एक यूनिट बना लेते हैं, आई ए यू ई, ये बन गया। उसके बाद बता, एस बचा, जी बचा, एन बचा, टी बचा और आर बचा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये तुम्हारा बनना 6 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 है ना वोवेल्स, तो ये तो तुम्हारे वो बने जिनमें 7 में होगा, और यहाँ जाके अगर आप इनको माइनस कर दोगे नॉट टुगेदर टुगेदर वाले जो होंगे, उस केस में आप लोग 9 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, तो इस तरह से आप लोग जो है दोनों तरह के वेज निकाल लेते हो, टुगेदर वाले भी और नॉट टुगेदर वाले भी। ठीक है, क्लियर है सबका अभी तक? यस सर, यस सर, यस सर। चलो एक तुमको तगड़ा सा क्वेश्चन देते हैं। बोलता है इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन परम्यूटेशन वर्ड बेसिकली फॉर अरेंजमेंट, परम्यूटेशन यूज कर रहा है, अरेंजमेंट कर रहा है ऑफ द लेटर्स इन, एक वर्ड है ये, इस थोड़ा खतरनाक सा वर्ड है, मिसिसिपी, MISSI, उसके बाद फिर से डबल एस, फिर ठीक है, फिर से आई, और उसके बाद बोला डबल पी आई, मिसिसिपी, डू द फोर आईज, इसमें पूछा डू द फोर आईज आर नॉट टुगेदर, आर नॉट टुगेदर। अब देखो ये वर्ड दे दिया इसने उठा के,
इसने बोला है कि इनमें से कितने अरेंजमेंट ऐसे होंगे जिन अरेंजमेंट्स में चारों आई जो है वो साथ में नहीं होंगे। अब देखो आपको क्या समझ आता है, आप क्या कर सकते हो इसमें, बोलो। पहले आई टुगेदर निकालेंगे। हाँ, पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपको पता है कितने होंगे, कितने लेटर हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11। तो आप बोलोगे कि टोटल वेज या टोटल अरेंजमेंट, टोटल वेज भी बोल देते हैं इसको, तो वो हमारे होंगे 11 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, अभी देखते हैं। तो ये 11 फैक्टोरियल हो गया। अब इसमें से आप निकालोगे जिसमें से आई ना टुगेदर होंगे, आई टुगेदर वाले पे आप एक यूनिट बनाओगे, कितने आई हैं, 1, 2, 3, 4। आप बोलोगे 1, 2, 3 एंड 4, चार तो आई हो गए, इसके आगे कितने बचेंगे, सात और बचेंगे। टोटल वो कितने हो गए लेटर, 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब तुम लोगों को शायद इसमें एक चीज नजर आ रही हो, आप लोगों ने बोला था कि सर अगर उसमें भी आइडेंटिकल डिजिट रिपीट करता है तो क्या करोगे। आप लोगों को मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ, आई आई तो लिख ही लिया आप लोगों ने, अब इसके आगे का भी लिखो। इसके आगे क्या बचता है, एस 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 कितनी बार है, 4 बार, 1, 2, 3, 4, एस 4 बार है। उसके बाद आगे पी 2 बार है, और इसके बीच में एक एम बी है पहले, एस 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 पी पी। अब आप देखो, आप लोगों ने रिपीटेशन की बात की थी, ये तो एक यूनिट हो गया, चलो। उसके बाद आप लोगों को पता है S कितनी बार रिपीट कर रहा है, 4 बार, तो इसको आप पहले तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। P कितनी बार रिपीट कर रहा है, 2 बार, 2 फैक्टोरियल से भी रिपीट डिवाइड करोगे। यही पूछा था ना किसी ने क्वेश्चन, आर्यन तुम बोले थे कि मैथमेटिक्स वाले में करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आपका आइडेंटिकल डिजिट रिपीट करता है तो उस केस में भी आप लोगों को ये करना ही करना पड़ेगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इससे आपका क्या पता चलेगा, जहां पर आपके जो 4 आईज हैं वो टुगेदर होंगे। तो ये हो गया 4 आईज टुगेदर वाला केस। अब पता करना है कि नॉट टुगेदर वाला, 4 तो आईज, इसमें हमने आई को अरेंज इसलिए नहीं किया ना क्योंकि सारे सेम है, सारे तो सेम है। हाँ, 4 आईज नॉट टुगेदर, ये हो गया। तो नॉट टुगेदर में क्या करोगे आप, एक सुनो, एक मिस्टेक यहाँ ऊपर और भी हुआ है। आप हमने यहाँ तो देख लिया रिपीटेशन वाला, ऊपर तो देखा ही नहीं कि टोटल अरेंजमेंट की जब बात आई थी, है ना। टोटल अरेंजमेंट में भी तो आइडेंटिकल रिपीटेशन देखोगे ना आप, तो आप वहां देख रहे हो आई 4 बार रिपीट है, तो आप 4 फैक्टोरियल आई के लिए लगाओगे, 4 फैक्टोरियल आप एस के लिए लगाओगे, और 2 फैक्टोरियल आप पी के लिए भी लगाओगे, ये टोटल वाला बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट 11 फैक्टोरियल कब बनता है, जब आइडेंटिकल डिजिट रिपीट नहीं करता है। यहाँ पर आपका आइडेंटिकल डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब आपका आई 4 फैक्टोरियल है तो उससे डिवाइड करोगे, एस जो है आपका 4 बार है, पी आपका 2 बार है, तो सबसे डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो ये बने आपके टोटल, ये बने आपके 4 आईज टुगेदर। 4 आईज नॉट टुगेदर निकालने के लिए आप क्या करोगे, 11 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको पता चलेगा ऐसे कितने अरेंजमेंट हो गए जिस केस में आई 4 आईज वोंट बी टुगेदर। ठीक है, तो